लग रहे हो अर्जुन. अरे आईने में अपनी शक्ल नहीं देखोगे? वैसे ये तोहफा हमने नहीं, हमारी दोस्त सिमी ने भेजा था तुम्हारे. अब हम जो तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं वो दिखाते हैं. तुमने तो वो कर दिखाया जो एक माँ होकर भी हम नहीं कर पाए. अच्छा सबक सिखाया तुमने हमारे बेटे अर्जुन को. हम दिल से कह रहे हैं बहुत अच्छा किया तुमने उसे जेल भेज दिया. तुम मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लो कि तुमने हमारे पापा और हमारे भैया पर झूठा इल्जाम लगाया. हम हमारा केस वापस ले लेंगे और तुम रिहा हो जाओगे. सोच क्या रहे हो? इससे आसान तरीका नहीं है तुम्हारी आजादी. आजादी तुम क्या चाहती हो? हम तुम्हारी बात मानकर एक पाप एक गुनाह कर ले? पाप करने को कोई नहीं कह रहा, जो सच है वही कहना है. सच क्या है जानती हो तुम? सच ये है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप दोनों क्रिमिनल है. अरे तुम्हारी रगों में जो खून बह रहा है ना उसमें भी जुर्म का नमक घुला हुआ है. और तुम उस लड़के को झूठ कहने को बोल रही हो जिसने अपना जमीर मार के एक अनजान लड़की की जान बचाने के लिए उसकी मदद की. वो लड़की जिसने एक नकली ड्रामा खड़ा करके अपने नकली बाप से मिलवा. अरे जो लड़की एक नकली बाप खड़ा कर सकती है, जो लड़की इतना बड़ा ड्रामा करके हमें जेल में भिजवा सकती है, जो लड़की सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लड़के को झूठ बोल सकती है, उस लड़की की बात मानकर उसकी क्रिमिनल फैमिली को बचा ले, ये नहीं होगा हमसे. सजा होनी है तो हो जाने दो. कितनी? 5 साल 10 साल 20 साल काट लेंगे जेल में, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे. तुम्हारे पापा पर लगा हुआ इल्जाम हम वापस नहीं लेंगे. तो ठीक है, भुगतो नरक की सजा. नरक की सजा तो तुम भुगत रही हो चांदनी. हम देख सकते हैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी हार. अब हमारा सोने का समय आ गया. गुड नाइट. सर आप? हाँ सर मत बोल. कुत्ता कमीना धोखेबाज मैं एक लड़की की बातों में आ गया था. आज जेल में तुम्हें नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए था. अर्जुन तुम्हारे सामने तुम्हारा दोषी खड़ा है. सर आप प्लीज ऐसे मत कहिए. हम जानते हैं ये सब जो भी हुआ है चांदनी की वजह से हुआ है, क्योंकि हम उसके पापा का झूठ सबके सामने ले आए. ये सच है अर्जुन, तुमने बहुत हिम्मत वाला काम किया है. तुम्हें फंसाया गया है. ये सब पूरा एक प्लान था. तुम्हें जॉब देना, तुम्हें चाबी देना, तुमसे चोरी कराना, ये सब कुछ प्लान था. मैं अंधा हो गया था लेकिन कल रात में मुझे सब कुछ समझ में आ गया. तो सोचा कि यहाँ सुबह आकर सब कुछ सच सच बता. अब जो होना है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं सिमी के प्यार में पागल था और सिमी चांदनी की दोस्त था. इन दोनों ने जैसा जैसा बोला मैं करता चला गया. हो सकता है चांदनी इन सब चीज़ों से बच जाए क्योंकि उसके पापा की पहचान काफ़ी ऊपर तक है. लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूँगा. तुम्हें भरोसा था कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है. अब मैं भी सच्चाई के साथ में खड़ा हूँ. अभी अभी जाकर मैं पुलिस को पूरा स्टेटमेंट देता हूँ. I love you, Rishi. हर शाम क्लब में मिलना. क्या? क्या ये? अरे ये मैसेज किसने भेजा? मुझे कैसे पता? हमसे धोखेबाजी की ना तुमने. अभी मीनाक्षी आंटी को फोन करते, उनको भी तो पता चले कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है. चांदनी मेरी बच्ची, अरे कैसे हो तुम? भुवन काका चाय कॉफी जी अभी ला. अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है. मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि तुम दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर कर सकूं. बेटा ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया है. ये जरूर किसी की साजिश है.
ताकि तुम दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों आपस में बैठकर बातें करो और एक दूसरे को समझो, ठीक है? मेरी बच्ची। चांदनी अभी 9:32 हो रहे हैं, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, 10:22 का शुभ मुहूर्त है और तुम जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, मैं यहीं पे बैठता हूँ, ठीक है? अरे जाओ, तुम ऑलरेडी 2 सेकंड लेट हो। हमारा सर। क्या हुआ? हमारा सर। क्या हो गया चांदनी? हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, तुम्हारे पास अभी 50 मिनट है, इसमें से तुम 15 मिनट का एक तुमको डीप स्लीप भी मिल जाएगा और तुम पूरी फ्रेश हो जाओगी इसमें। हमारा तो मन कर रहा है कि हम बस पूरे दिन सोते रहे। अरे नो नो नो, अरे मेरे पास प्लान बी भी है, तुम जाके रेस्ट कर लो ना, हम लोग 1 घंटे में मिलते हैं वापस, चलो। क्या करें, कैसे पका इसे? सिमी, कौन फोन कर रहा है यार? हाँ क्या हुआ यार, तुम अभी भी सो रही हो? यार कल रात एजे ने रात खराब कर दी, और तुम्हें पता है यहाँ दिन की शुरुआत खराब कर दी उस वॉल क्लॉक ने, सुबह सुबह आ गया जेपू, अब पूरा दिन भर चिपका रहेगा यहाँ पे। सिमी प्लीज यार जल्दी से कोई आइडिया बताओ। रुको सोचती हूँ, एक लंबी सांस लेके तुम भी लो। ओके ओके आइडिया। और पापा जिला परिषद अध्यक्ष बनते ही ना पैसे की गंगा का रुख हम अपनी तरफ मोड़ देंगे, देख लीजिए। भाभी अध्यक्ष महोदय अपनी आंखें चेक करवाइए, आपकी दूर की नजर कमजोर है। पापा आपको हमारी हर बात गलत लगती है। ए भैया, जिस कुर्सी पर बैठे हो उससे बड़ी कुर्सी पर बैठने के सपने देखना सीखिए, सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं, अरे उससे कहीं ज्यादा बड़ी राजनीतिक विरासत संभालनी है आपको, समझिए इस बात को। सर जी पुलिस थाने से फोन है। हेलो, हाँ बोलिए। हम नथुलाल बनारसी दास बोल रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए छुप कर टॉयलेट से फोन कर रहे हैं साहब जी। तनिक साफ सुथरी जगह पे जाके बात कीजिए महाराज, बदबू आ रही है। क्षमा कीजिए साहब जी, हुआ क्या है, अजय सिंह है ना वो पकड़ा गया है, वो जो अर्जुन सिंह के खिलाफ जो कंप्लेंट दी थी वो वापस ले रहा है और सब कुछ बोलने वाला है साहब जी वो। अब आपको क्या बताएं साहब जी। अरे भाई जो बकना है जल्दी बको, चांदनी बिटिया का नाम ले रहा है वो। अभी तो जैसे तैसे उसको टरका दिया है, लेकिन मीडिया के सामने जाएगा ये पक्का है। अच्छा ठीक है देखते हैं। अजय सिंह मीडिया में बयान देने वाला है। उस ससुरे का टेटुआ दबा देंगे हम, वो जानता नहीं है किससे दुश्मनी मोल ले रहा है वो। आप दुश्मनी की फिक्र छोड़िए, आप तो ये सोचिए कि वो हमारी बिटिया का नाम लेने वाला है, और अगर बिटिया का नाम आ गया ना मीडिया में तो आपका तो भविष्य गया खतरे में। ऐसा होने नहीं देंगे हम पापा, चांदनी का नाम मीडिया में नहीं आएगा, ये वादा हमारा आपसे, देख लीजिएगा। आ गए तुम, चला गया ना सरदार। थैंक यू ऋषि, हमें एकदम सही टाइम पर सही राय देने के लिए। हमें ड्रेस चाहिए, हमारे लिए लाओगे? हाँ क्यों नहीं, चलते रहे साथ में शॉपिंग करने, चलो। नहीं नहीं, हमें ये ही ड्रेस पहनकर तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलना है, ला दोगे? जरूर, ऋषि कैन डू एवरीथिंग। हाय, हाय, जल्दी आना। ऋषि बेटा ढूंढते रहोगे शाम तक, क्योंकि पूरे कानपुर में तुम्हें तो ये ड्रेस मिलने ही नहीं वाली।
क्या आइडिया दिया है तूने? आइडिया सिमी का था, लेकिन उसमें शामिल मैं भी था। तो आप कहना चाहते हैं कि षड्यंत्र था अर्जुन को फंसाने के लिए? जी हाँ, वो निर्दोष है, उसको फंसाया गया। मैं आया था पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन मेरा स्टेटमेंट लिया नहीं है और इशारों में मुझे धमकाया गया है और चुप रहने के लिए बोला गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, एक बेगुनाह को मैं इस तरीके से जेल में नहीं देख सकता। अब मैं वही करूंगा जो सच है। लेकिन पुलिस ऐसा क्यों करेगी? आपको नहीं लगता कोई और भी साजिश में शामिल है? जी हाँ, आज मैं वो सब कुछ आपके सामने बता सकूँ जो अभी तक नहीं बता पाया। कोई नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि गलती मेरी और सिमी की है, तो जेल में भी हम दोनों को जाना चाहिए। बताइए नाम। चांदनी यार, घर पे पुलिस आ गई है यार, हम बिल्कुल अकेले हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे वो मेरा। एक मिनट सुनिए, हमें समझने तो दो, पुलिस क्यों आई है? अरे यार, एजे कल रात को घर आ गया था, नशे में था, बहुत हंगामा करा उसने, हमने थप्पड़ मार के भगा दिया। अब यार वो बदला लेना चाह रहा है, न्यूज में है, वो तुम्हारा नाम नहीं लिया, पर हम फंस चुके हैं यार, तुम्हारे चक्कर में भी फंस गए यार। अरे यार सुनी, क्या कर दिया तुमने? अरे तू क्या करते यार, वो बदतमीजी कर रहा था, थप्पड़ नहीं मारते तो क्या पूजा करते उसकी? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक हो सिमी? मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो चलो, नहीं चलो, कैसे लेके जा रहा सिमी? लेके चलो। बेटा भैया का कमरा ठीक कर दिया ना? हाँ, अच्छा ही हुआ कि जल्दी छूट गए। काहे? पापा जी हमारे इस घर को गिरवी रख देते, हम तो जानते हो ना कोर्ट कचहरी के चक्करों में कितना। सही बोल रहे दामाद जी, एक बात समझ में नहीं आई, अर्जुन कितने जल्दी जेल से निकला कैसे? आपको पता है दिन का 50 ग्राम घी और आधा किलो आटा बच रहा था, मैं कितनी खुश थी। समझ में नहीं आता किसने छुड़वाया। जी मम्मी जी, अब बहुत भोले हो मम्मी जी। हाँ वो तुम्हें हो। देखिए, जिसकी तिजोरी में हुई चोरी, लगता है उसी ने की थी हेरा फेर, और फिर उन्होंने पुलिस को बयान दे दिया। अब वो जेल के अंदर और ये महाशय जेल के बाहर। अच्छा। और साथ में वो भी गई, वो क्या नाम था उसका, सिमी। कौन? उस दिन आई थी ना घर पे, मैं भी मेहमान समझ के मिल लिया, वो तो ऐसे घूरने लगी जैसे वरमाला डाल देगी। इग्नोर मार दिया मैंने उसको पूरा, और अच्छा ही किया, वरना मैं भी उसके साथ बैठ के ना जेल में चक्की पीस रहा होता। हाँ, अब वो सिमी जाएगी जेल के अंदर। हाँ पापा, पापा प्लीज कुछ करिए, सिमी हमारी वजह से जेल गई है। पापा हमें लगता है कि हमें जाकर पुलिस को सब सच बता देना चाहिए। नहीं 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 बेटे, ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। और वैसे भी कब तक आजाद परिंदा बन के उड़ेगा यार अर्जुन शर्मा? अरे ये देख तेरी मम्मी कितना इंतजार कर रही। माँ, कोई जंग जीत कर थोड़ी ना है। चुप, नजर उतारने दे। दो दिन में कितना दुबला हो गया। माँ अच्छा।
जब तक तुम्हारी नजर हम पर है ना, तब तक हमें ना किसी की नजर लग सकती है और ना ही हम किसी सच की लड़ाई में हार सकते। अरे ये क्या? देखो मामा जी, फिर आंसू। अरे आप अभी रो क्यों रही हैं? हम वापस घर आ गए। चलो स्माइल 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 स्माइल। अब रोएंगे तो वो जिन्होंने हमें फंसाया था। रो रही हो तुम? हमारी भैरों के रो रही हो तुम? सूर्य प्रकाश। बिटिया, सिंह जो है हमारी अपनी बेटी की तरह है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे होते उसे कुछ नहीं होगा। आपको हम पे भरोसा है ना? मैं आपसे भी ज्यादा। तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, हम सब संभाल लेंगे। आप तो बस इस सब के बारे में किसी और से बात मत कीजिएगा। चलिए आप चल के थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आइए। प्रॉमिस ना पापा। अरे हाँ भाई हाँ, प्रॉमिस। क्यों चिंता करती हैं आप? हमने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, आइए। चांदी 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 चांदी। ऋषि अब सॉरी, वो हेडफोन तक फोन सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, ये ड्रेस चाहिए था ना तुमको? कल 10 घंटे 12 मिनट ढूंढने के बाद 8:42:42 पे ये ड्रेस मुझे मिल गया। बाय द वे तुम ये ड्रेस पहन लो, ठीक है? उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे 9:44 पे। आज 4 सुबह है। ऋषि तुम एक काम करना, ये ड्रेस भुवन काका को दे देना, ठीक है? लेकिन भुवन काका इस ड्रेस का क्या करेंगे? अरे भुवन काका को कहना कि ये ड्रेस हमारे कमरे में छोड़ दे, हम शाम को तैयार होके तुम्हें कॉल करेंगे, ठीक है? बाय। चांदनी चांदनी चांदनी। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तुम? वैसे तुम्हारी मॉर्निंग तो बैड हो गई होगी ना, या हमारी एंट्री देखकर? खैर खबर पता चली तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तो अब तुम ही बताओ हम क्या करते हैं? जब तुमने हमसे वादा किया है कि तुम रोज जेल में आकर हमारी आंखों में हमारी हार देखने आओगी, मगर हम तो जेल से बाहर आ गए, इसीलिए हमने सोचा तुम्हारी ये इच्छा विच्छा पूरी कर देते हैं। हम रोज खुद तुमसे आकर मिलेंगे ताकि तुम्हें पता चले कि हमारी आंखों में हार है या जीत। अरे चांदनी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? चांदनी पानी? वो गुरूर, वो घमंड, वो गुस्सा सब आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो गया। हम ना तुम्हारी आंखों में तुम्हारी हार देख सकते हैं। सॉरी, हम ना छोटे लोग हैं, गुड मैनर्स हमेशा भूल जाते हैं। याद है तुम हमारे जन्मदिन पर जेल में गिफ्ट लेकर आई थी ना, तो हमने सोचा हमें भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए। हम तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट लाए, देखो देखो। मजा आ गया, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। वैसे एक बात बता, तुम भी आज सिमी के साथ जेल में होती अगर तुम्हारे पापा का दबदबा ना होता तो? इसीलिए तुम्हारा नाम नहीं आया ना। वैसे एक बात तुम्हारी कमाल की है, पहले तुमने हमें धोखा दिया प्यार के नाम पे, और अपनी दोस्त को दोस्ती के नाम पे। देख तुम कैसी लड़की हो सब समझ में आ गया है, अपनी दोस्त से मिलने नहीं जाओगी? और तुम यहाँ पर दौड़ दौड़ कर अपनी सेहत बना रही हो और तुम्हारी दोस्त बैठी है जेल में, क्या बात है? जाना अपनी दोस्त से मिलने। धमकी दे रही हो हमें? धमकी? धमकी ना कमजोरी की निशानी है, हम तो सिर्फ तुम्हें आगाह करने आए। वैसे तुम जितना नीचा नहीं कर सकते हम, झूठ का सहारा लेकर हम लड़ेंगे सच्चाई का साथ लेकर, फिर चाहे जो होना है हो।
याद रखना। दुश्मनी पिघल जाएगी जब आइसक्रीम होंठों पर खुल जाएगी। आइसक्रीम खाओ, दोस्ती बढ़ाओ, फिर मिलेंगे।